assalamu alaikum students in this session we are going to see how to change our environment set up the icon bar delete those icons which we do not need and add those that we do need okay students as you remember the last time also our icon bar appeared on the left side and how we changed it we simply went to the view and selected top icon bar now that we have लिस्ट ऑफ़ आईकॉन्स ऑन टॉप देर आर अ व्यू दैट वी विश टू रिमूव एंड देर आर अदर आईकॉन्स वी विश टू एड टू आर आईकॉन बार अब हम इसमें से किस तरीके से आइकॉन्स को निकालेंगे और किस तरह ऐड करेंगे उसका तरीका ये है कि हम व्यू में जाए और कस्टमाइज आइकॉन बार को एक बार क्लिक करें जैसे ही हम इसे कस्टमाइज आइकॉन बार को क्लिक करते हैं जितने भी आइकॉन्स हमारे पास ऑन डिस्प्ले हैं वो सारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं इसमें से आप देख रहे हैं कि बाज जगह लिखा हुआ है स्पेस स्पेस का मतलब ये होता है कि इनके बीच में एक सेपरेटर आ जाता है जो कि इन तीन या चार आइकॉन्स के बाद मौजूद है। ये वो सेपरेटर हैं जो कि स्पेस से हम डिपिक्ट करते हैं हम ये सेपरेटर ऐड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं अगर हम किसी आइकॉन को अपनी जगह से मूव करना चाहें तो उसे हम बसानी मूव कर सकते हैं मिसाल के तौर पे हम होम का आइकॉन अगर माई कंपनी के बाद लाना चाहें तो हमें होम के साथ दिए हुए डायमंड के साइन को पकड़ना है और उसे पकड़ के हमें नीचे ले आना है जैसे ही हम उसे नीचे लाएंगे आप देखेंगे ऊपर माई कंपनी का आइकॉन पहला हो गया और होम का आइकॉन दूसरे नंबर पे आ गया इसी तरह हम कैलेंडर को पहले नंबर पे लाकर लाना चाहें तो हमने सिर्फ कैलेंडर को अपनी जगह से उठाना है और इसको माई कंपनी के ऊपर रख देना है और जैसे ही आप ये काम कर लें इसे ओके करें ये आपकी चेंज परमानेंट हो जाएगी लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आइकॉन्स खुले हुए हैं बाज ज़रूरी भी हैं और बाज़ गैर ज़रूरी भी हैं आए देखते हैं हम इसमें नया आइकॉन किस तरह से ऐड कर सकते हैं आपको दोबारा कस्टमाइज आइकॉन बार में जाना होगा इधर हम ऐड करने के लिए ऐड का बटन दबाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ मज़ीद आइकॉन्स जो इस वक्त स्क्रीन पे नहीं भी हैं वो सारे यहाँ लिस्टेड हैं हम इसमें जो नया आइकॉन ऐड करना चाह रहे हैं वो है कैलकुलेटर का हमने कैलकुलेटर का आइकॉन के लिए कैलकुलेटर को क्लिक किया अब ये आइकॉन्स हमें नज़र आ रहे हैं कि हम इसको कैलकुलेटर को डिपिक करने के लिए स्क्रीन पे कौन सा वाला आइकॉन सेलेक्ट करें इसके लिए हमने कैलकुलेटर वाला आइकॉन सेलेक्ट किया और ओके okay कर दिया जैसे ही हम ओके okay करेंगे ये सबसे एंड में नज़र आने लगेगा लेकिन हम चाहते हैं कि ये टॉप पे होम पेज के बाद आए इसे हमने यहाँ से ले जाना है और होम के बाद इसको डाल देंगे जैसे ही हमने ये काम किया आप देख सकते हैं होम के फ़ौर बाद कैलकुलेटर नज़र आने लगा इसके बाद हम एक सेपरेटर ऐड करना चाहते हैं जिसके बाद हमें सेपरेटर ऐड करना है हमें उसे सेलेक्ट करना है और ऐड सेपरेटर का बटन दबा देना है जैसे ही हम ऐड सेपरेटर का बटन दबाएँगे स्पेस लिखा हुआ आ जाएगा और एक सेपरेटर यहाँ नज़र आने लगेगा इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे गैर ज़रूरी आइकॉन्स हैं जो फ़िलहाल हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे ये वाला उसको आप सेलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें जैसे ही आप डिलीट करेंगे ये स्क्रीन से वापस चला जाएगा ये एक बड़ा सिंपल स्टेप है जिससे आप अपने पसंद के आइकॉन ऐड या डिलीट कर सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि आप अपने इस आइकॉन बार पे आके राइट क्लिक करें और आपके पास वहाँ भी कस्टमाइज आइकॉन बार का एक क्लिकेबल बटन आ जाएगा ये तमाम तरीकों से आप अपना आइकॉन बार अपनी मुनासिबत से सेट कर सकते हैं दैट इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू